फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। बिहार के पटना एम्स में 5 जनवरी से अब तक अस्पताल के कुल 607 स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर पॉजिटिव आए हैं। इनमें कई डॉक्टर और हेल्थ कर्मी शामिल हैं। पॉजिटिव आने वालों में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इनमें 53 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जबकि 13 कंसल्टेंट और 20 इंटर्न शामिल हैं। 300 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पटना एम्स में एक साथ इतने लोगों के संक्रमित होने के बाद अस्पताल प्रबंधन की मुश्किल बढ़ गई है। वहीं 45 तकनीकी कर्मचारी और 23 अटेंडेंट भी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एम्स में गुरुवार को 15 डॉक्टरों समेत 72 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें 37 नर्सिंग स्टाफ, 8 जूनियर रेजिडेंट, 4 सीनियर रेजिडेंट, 1 इंटर्न और 2 कंसल्टेंट शामिल हैं। कोरोना के तीसरे फेज के दौरान पटना एम्स में अब तक लगभग 600 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेश कुमार 600 स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने की जानकारी दिए। वही बता दें कि कोरोना बिहार में तेजी से पांव पसार रहा है। शुक्रवार की अगर हम बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से ज्यादातर पटना के ही हैं। पटना में 2804 की रिपोर्ट संक्रमित आई है। पटना में संक्रमण की रफ्तार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां हर चौथा व्यक्ति जो कोरोना की जांच करवाता है वह संक्रमित है। पटना एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लोकेश कुमार का क्या कहना है, सुनिए। कोरोना, आप सबको पता है कि ओमिक्रॉन की लहर इस समय पर काफ़ी तेज है और सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स भी इससे काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे बाकी जगहों पे हो रहा है उसी क्रम में एम्स में भी बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर इससे अफेक्टेड हैं। हमारे इंस्टीट्यूट पे जो हेल्थ केयर वर्कर इससे अफेक्टेड होते हैं उनको रिपोर्ट करने का एक पोर्टल बनाया गया था और उस पोर्टल में जैसे ही लोग पॉजिटिव होते हैं तो वो उसमें रिपोर्ट करते हैं ताकि यहाँ पे ड्यूटी रोस्टर को प्रभावी या सुचारू रूप से मेंटेन रखा जा सके। उस पोर्टल के मुताबिक लगभग 600 के करीब एम्प्लॉयज़ इससे अफेक्ट हुए हैं जब से ये ओमिक्रॉन की वेव शुरू हुई है तब से, लेकिन ज़्यादातर लोगों में सिम्टम बहुत माइल्ड हैं जिसके चलते जैसे ही 5-6 दिन में सिम्टम्स ठीक होते हैं वो वापस काम पे भी आ रहे हैं। तो इससे एक, क्योंकि रिपोर्टिंग है, हमें पता रहता है कि कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं जिससे कि उनको ड्यूटी से हटाया जा सके और उनका उचित इलाज का प्रबंध किया जा सके। इससे ये पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल्ड तरीके से रन हो पाता है। बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, तो क्या है तैयारी कि आगे ना बढ़े और अस्पताल भी सुचारू रूप से चल पाए। अभी भी यहाँ पे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं लेकिन व्यवस्थाएं पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं और जैसे ही यदि कोई पॉजिटिव होता है तो जो लोग या तो ऑलरेडी पॉजिटिव होने के बाद अब काम पे लौट चुके हैं वो काम पे आ जाते हैं, अथवा जो लोग पहले से स्वस्थ हैं वो लोग काम पे आ जाते हैं जिससे कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाया जा सके। तो बिहार में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ना सिर्फ आम जनता बल्कि स्वास्थ्यकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।